शाहीन बाग पर कुमार विश्वास ने खोल दी अरविंद केजरीवाल की पोल, पलट दिया चुनाव का रुख। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर उनके पूर्व सहयोगी कुमार विश्वास ने शाहीन बाग में चल रहे नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को लेकर बड़ा हमला बोला है। कुमार विश्वास ने ट्वीट करते हुए आम आदमी पार्टी पर शाहीन बाग में अपने गुंडे बिठाने का आरोप लगाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल ही में केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा था कि बीजेपी शाहीन बाग को लेकर गंदी राजनीति कर रही है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया था। अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर में लिखा था, शाहीन बाग में बंद रास्ते की वजह से आम लोगों को परेशानी हो रही है। बीजेपी नहीं चाहती कि रास्ते खुले, भाजपा गंदी राजनीति करे। भाजपा के नेताओं को तुरंत शाहीन बाग जाकर बात करनी चाहिए और रास्ता खुलवाना चाहिए। इस मुद्दे पर कुमार विश्वास ने ट्वीट कर केजरीवाल उनकी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर चल करने का भी आरोप लगाया। कुमार विश्वास ने अपने ट्वीट में कहा, अपने अमानती गुंडे को बेचकर बिठाओ तुम और उठाए दूसरे। तुम्हारा निर्भय नायब शाहीन बाग के साथ खड़ा हूँ। तुम कहाँ रह रहे हो, हटाओ अपनी हर गैर मुनासिब सी जहालत के लिए। बारा तू जो जिन बातों के सिफर तांत है, छल फरेबों में ढके सच के मसीहा मेरे। हमसे बेहतर तुम मुझे तू भी नहीं जानता है। बता दें, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में सड़क पर एक महीने से भी ज्यादा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसका इस सड़क मार्ग का इस्तेमाल करने वाले दिल्ली वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खुद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शाहीन बाग में लोग सिर्फ मोदी विरोध कर रहे हैं, वहां पर प्रदर्शनकारी एम्बुलेंस तक को निकालने की जगह नहीं देते हैं। बच्चों को स्कूल जाने से रोका जा रहा है, लोगों को काम पर जाने से रोका जा रहा है, वहां कुछ लोग भारत को तोड़ने की कोशिश कर। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केजरीवाल सिसोदिया शाहीन बाग वालों के साथ खड़े हैं, लेकिन उन लाखों लोगों की शांत आवाज उनको क्यों नहीं सुनाई देती, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग दफ्तर नहीं जा पा रहे, दुकानें बंद है, एम्बुलेंस नहीं निकल सकती। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।